हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी हेयर फॉल जर्नी। सो अराउंड 2-2.5 महीने पहले मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि अगर मैं 4 या 5वें दिन तक हेड वॉश नहीं करती थी तो मेरे बाल ऐसे हाथ में आ जाते थे। इट वॉज लाइक एक्सट्रीम एंड मैं काफ़ी डर गई थी, बिकॉज ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। बट थैंकफुली आई केम अक्रॉस अ प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए मैजिकली काम किया है एंड मेरा हेयर फॉल ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 मंथ्स। आई हैव बिन यूजिंग दिस प्रोडक्ट रिलीजियसली एंड इसीलिए ये प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। माई हेयर फॉल वेंट फ्रॉम दिस मच टू जस्ट दिस। क्रेजी है ना? क्रेजी लग रहा होगा आपको, बट ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली में रिजल्ट शो करता है एंड दैट इज वाई आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट। मैं बात कर रही हूँ विश केयर के हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट के बारे में। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये एक्चुअली में मेरी दूसरी बॉटल है एंड आई ऑलरेडी रिपर्चेस्ड अनदर वन बिकॉज मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ यूज करना। यस, दिस इज अमेजिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्यों काम करता है, द साइंस बिहाइंड इट, द नेचर बिहाइंड इट एंड ऑल्सो हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप भी एक्सट्रीम हेयर फॉल के शिकार हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम। को हेयर फॉल होता क्यों है? स्ट्रेस की वजह से होता है या फिर आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, या फिर जो है कई बार हेयर फॉल जो है मौसम बदलता है तब भी होता है। बट अगर इसमें से कोई भी आपका हेयर फॉल का रीजन है, अगर हम सही प्रोडक्ट्स यूज करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डोमैट के पास जाओगे तो वो आपको कुछ मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट्स बता देंगे एंड कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप डोमैट के अप्रूवल के बिना यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड। बट इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर प्रूवन टू रिड्यूस योर हेयर फॉल, आपका हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड आई थिंक हेयर ग्रोथ की तो मैं बात करूँ ही ना, बिकॉज यू गाइज नो आई कट माई हेयर रियली शॉर्ट। मेरे बाल इतने छोटे मैंने करा लिए थे अराउंड 5-6 महीने पहले एंड बीच में मेरी हेयर ग्रोथ आई वॉज फीलिंग इट लाइक बहुत स्पीड में होने लग गई थी एंड दैट वॉज आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। सो यू नो आई कैन वाउच फॉर दिस व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ। सो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं जरा आपसे पहले बात कर लेती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है 3% रेडेंसिल। एक्चुअली ये जो इंग्रेडिएंट है ये आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले एक्चुअली मैं रिसर्च किया था एंड देन आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट। सो या सबसे पहले 3% रेडेंसिल परफेक्ट क्वांटिटी है, लाइक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। जैसे कि आप स्किन के लिए एक्टिव यूज करते हो ना, आपके स्कैल्प के लिए भी आपको एक्टिव यूज करना पड़ेगा टू इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ। देख रहे हो मेरे बेबी हेयर, टू इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ, टू रिड्यूस हेयर फॉल। सो रेडेंसिल जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को डायरेक्टली टारगेट करता है टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ। जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसमें मिलता है वो है 4% एनगन, जो कि पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है। एंड ये जो इंग्रेडिएंट होता है ना ये आपके हेयर ग्रोथ को रीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना जो इनकी हेयर ग्रोथ एकदम कहते हैं कि मेरे बाल ही नहीं बढ़ते, दिस विल हेल्प यू रीएक्टिवेट योर रीग्रोथ एंड इट विल हेल्प यू ग्रो योर हेयर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और साथ ही इसमें है 2% बायोकैपल जो कि आपके फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो अगर आप देखो ना, इट इज ऑल अबाउट योर रूट्स, योर फॉलिकल्स बेस पे, यानी कि रूट्स पे जाकर के, स्कैल्प लेवल पे जाकर के ये चीजों को इम्प्रूव कर रहा है एंड हेंस इस वजह से आपका जो है हेयर ग्रोथ बेटर होता है, हेयर फॉल जो है वो यहां से कम होता है ना कि यहां से कम होता है। एक्चुअली हेयर फॉल दो तरीके से होता है, एक आपका ये वाला हेयर ब्रेक होता है, तो रूट पे तो हेयर है बट योर हेयर इज ब्रेकिंग फ्रॉम यहां से बीच बीच में से। दैट इज समथिंग जो कि अगर आप हेयर लेंथ की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करोगे उससे ठीक हो जाएगा, बट जब बाल रूट से जाता है ना वो कंसर्निंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर रूट से बाल गया तो पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। सो ये वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, रीएक्टिवेट करता है सो दैट आपके बाल जो है बेहतर, स्ट्रॉन्गर और अच्छे ग्रो हो फ्रॉम द रूट्स। एक्टिव्स के अलावा इसमें कैफीन, बायोटिन, प्लांट केराटिन एंड राइस वाटर भी है एंड इन चारों इंग्रेडिएंट्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कैफीन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है एंड हेंस इट्स ग्रेट फॉर योर हेयर। साथ में इसमें बायोटिन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटमिन है जो कि हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करता है एंड राइस वाटर तो हम सब जानते हैं इज ग्रेट फॉर
फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल कंट्रोल एंड बालों में अगर डैमेज है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए. हेंस दिस इज ग्रेट अगर आप अपने बालों को रीग्रो करना चाहते हो, साथ में अगर आपके डैमेज्ड बाल भी हैं तो भी ये उस डैमेज को भी रिपेयर करने में हेल्प करेगा. इसका अगर मैं टेक्सचर बोलूं, इट्स अ रनी जेली वॉटरी काइंड ऑफ लिक्विड जो कि फटाफट से आपके स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो जाएगा विदाउट लीविंग योर हेयर ग्रीसी और ऑयली एट ऑल. बिल्कुल भी आपके बालों को वे डाउन नहीं करेगा और ग्रीसी और ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा. आप इसको हर रोज रात को सोने से पहले अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं. सो ऑल इन ऑल आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा एंड आई ऑर्डर्ड इट. इट्स बिन 2.5 months दैट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट. आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे इसको यूज करना है एंड दैट इज इट. नॉर्मली आप जैसे शैम्पू करते हो वैसे शैम्पू कर सकते हो एंड यू हैव टू रेगुलरली यूज इट. नाउ मैं यहाँ पर कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहती कि ओ 2 हफ्ते यूज करोगे तो हो जाएगा या 4 हफ्ते यूज करोगे तो हो जाएगा. पहली चीज, दिस माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मुझे एक्चुअल रिजल्ट देखने में अराउंड 4 से 5 हफ्ते लग गए थे. आई एम बींग वेरी 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 ऑनेस्ट, अराउंड 4 to 5 weeks मुझे एक्चुअल रिजल्ट देखने में लग गए थे. अगर आपको हल्का हेयर फॉल है तो हो सकता है कि आपको 3rd हफ्ते में ही रिजल्ट दिखने लगे, या आपको बहुत मैसिव हेयर फॉल है तो आपको 2 महीने भी लग जाए एक्चुअल रिजल्ट देखने में. सो रिजल्ट मे वेरी टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई एम श्योर दैट यू विल सी रिजल्ट बिकॉज दिस रियली वर्क्स. एंड ऐसे नहीं मैंने एक और ऑर्डर करके रखा हुआ है. नाउ ये छोटू सी 30 ml बॉटल आपको मिलती है 999 rupees की, बट आई थिंक आई हैव अ कूपन कोड विद विशकेयर जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे. यू कैन गेट सम डिस्काउंट ऑन दिस एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाई द प्राइस पॉइंट इज सो हाई बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. इट्स सो यूनिक एंड सो परफेक्ट फॉर हेयर ग्रोथ. लेट्स टॉक अबाउट इसको यूज कैसे करना है. सो इट कम्स विद दिस स्प्रे जिससे कि आपको यू नो इट्स वेरी ईजी टू यूज विद दिस स्प्रे. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अपने स्कैल्प पे इसको स्प्रे करना है, फिंगर्स की हेल्प से मसाज करना है एंड ओवरनाइट रखना है. आप नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हो अपने नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से. ये आपके बालों को ग्रीसी या ऑयली नहीं करता है. इट्स अ जेल काइंड ऑफ अ फॉर्मूला जो कि आपके रूट्स में समा जाता है एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हैं वो तुरंत से काम करना स्टार्ट कर देते हैं. सो एप्लीकेशन में बिल्कुल हैसल फ्री एप्लीकेशन है. आप इसको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल नाइट अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपके बालों को ऑयली या ग्रीसी नहीं करता तो आपको पता भी नहीं चलेगा इट्स देयर इन योर हेयर एंड दैट्स प्रीटी मच इट. आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू शुड बी एबल टू सी सम रिजल्ट्स आफ्टर अ मंथ, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कम से कम इसको 2 से 3 महीना तो एटलीस्ट दो, लाइक ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी लग सकता है. आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट फॉर 2.5 months एंड आई कैन सी रिजल्ट्स नाउ. सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस प्रोडक्ट. इन फैक्ट अगर आपके डैमेज्ड बाल हैं जैसे कि मेरे, मैंने बहुत डैमेज किया है पिछले कुछ महीनों में अपने बालों को, तो ये डैमेज्ड हेयर को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है बिकॉज इट हैज बायोटिन, इट हैज कैफीन. समझ रहे हो ना, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है ना दे आर जस्ट परफेक्ट एंड द बेस्ट इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड या आई एम हैप्पी विद दिस. आई वुड हाईली रिकमेंड इट. मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.